काम है, लेकिन माशाल्लाह हमारा मीडिया है जो बहुत सपोर्टिव है। मैं एक एक करके फर्दर फर्दर, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, प्रिंट से है, न्यू मीडिया से है, मैं आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारी आवाज पे आ जाते हैं और हमें कवरेज देते हैं। ओके सर, कह रही हूँ मकसद जो है हमारा फिल्म फेस्टिवल करने का है, जो आर्ट एंड कल्चर की बाकी एक्टिविटीज भी हम करते हैं, वो मकसद समझने की जरूरत है। कोई सियासत नहीं है, ना हमें करनी है, ना हमें इंटरेस्ट है, लेकिन कश्मीर के अवाम, कश्मीर के यूथ को एक एक्सपोजर देना है फिल्म का। फिल्म में हम थोड़ा लैग करते हैं, हम थोड़ा पीछे हैं फिल्म बनाने में, फिल्म देखने में, फिल्म समझने में। तो मैं वैसे छोटा मोटा फिल्म मेकर, टेलीविजन से जुड़ा था और शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाता था, मेरा शौक था कश्मीर में फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए। ये तमाम दुनिया के तमाम शहरों में होता है, छोटे छोटे कस्बों में होता है, और फिल्म फेस्टिवल की वजह से वो कस्बे, वो छोटे शहर, उनकी पहचान बनती है। कश्मीर की माशाल्लाह अपनी पहचान है, श्रीनगर की अपनी पहचान है, लेकिन इसमें फिल्म फेस्टिवल जब एस्टेब्लिश हो जाएगा, अभी तो एक फिल्म फेस्टिवल बच्चा है यहाँ, अभी ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन जब एक दिन आएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा, किस फिल्म फेस्टिवल की वजह से भी कश्मीर जाना जाएगा, या कश्मीर की वजह से ये फिल्म फेस्टिवल जाना जाएगा, वो हमारी एक हमारा हदफ, हमारा टारगेट वही है। तो आप लोगों का जो इसमें साथ रहता है, मैं उसका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ आपका, आपके जो स्टाफ या आपके हेड जो आप यहाँ भेजते हैं, उन तमाम का शुक्रिया। तो बात फिल्म फेस्टिवल की मैं दोबारा से छेड़ूंगा कि एक तालीम, एक अवेयरनेस जो फिल्म के बारे में है हमारे कश्मीर में, कुछ गलत है उसका, उसकी सोच फिल्म को लेकर, कि फिल्म एक बुरी चीज़ है, फिल्म नहीं देखनी चाहिए, बुरी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। मैं ये